यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां डीएम की अध्यक्षता में जिला पंचायत बोर्ड बैठक में 40 करोड़ का बजट पास हुआ। बैठक के बाद सदस्यों ने कई प्रस्तावों को लेकर जमकर हंगामा किया। सदस्यों ने एएमए को उनके कार्यालय में बंद कर दिया। जिला पंचायत में कैद एएमए ने नियम में रहकर कार्रवाई करने पर जोर दिया। वहीं दो पूर्व अध्यक्ष प्रदीप चौधरी व हरेंद्र यादव बैठक से नदारद रहे। आपको बता दें कि जिला पंचायत बोर्ड बैठक के बाद जिला पंचायत परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बोर्ड बैठक की मिनट बुक नहीं मिलने से गुस्साए जिला पंचायत सदस्यों की अपर मुख्य अधिकारी रणमत सिंह से नोकझोंक हुई। नोकझोंक देखते ही देखते खींचातानी में बदल गई। खफा सदस्यों ने अपर मुख्य अधिकारी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वह ना रुके तो दफ्तर का गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद जिला पंचायत सदस्यों ने अपर मुख्य अधिकारी से बात की। हंगामे और सदस्यों के तेवरों को देखते हुए कुछ ही देर बाद बोर्ड बैठक की मिनट बुक सदस्यों को सौंप दी गई। इसके बाद हालात सामान्य हो गए। हंगामे की नौबत क्यों आई यहाँ पर? एक ऐसा प्रश्न होता है जो माननीय सदस्यों का अधिकार होता है कि जो मिनट्स बुक जो सदन में तय होता है वो साथ ही साथ लिखा जाता है। पिछली बैठक में ये देखा गया कि मेम्बरों ने कुछ पास करा और मिनट्स बुक में कुछ और अन्य लिख के आया, तो माननीय सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से ये कहा कि जो लिखा गया है, जो स्वयं लिखा गया है, हाथ से जो लिखा गया है, उसकी मिनट्स बुक जारी करी जाए। मिनट्स बुक देने में आनाकानी हो रही थी, इसलिए मेंबरों ने अपना हंगामा किया और मिनट्स बुक जैसे ही मिल गई बाबुओं के द्वारा, जो भी आज सदन में तय हुआ उसके बाद शांति प्रदान की गई। थैंक यू।